यो ब्रो, आज हम करने जाने वाले हैं, ये करेगा 10 क्यूब्स को सॉल्व और मैं करूंगा 28 क्यूब्स। एवरेज निकाल ली, अब वैसे मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ, 25 बाय कितना बनता था, मतलब 25 मैं करूँ और 10, ये जो एक फेयर कंपटीशन था, लेकिन ये कह रहा है 28 करो, तो चलो ये तो 30 कह रहा था, बड़ी मुश्किल से 28 करवाए हैं। एक मिनट यार, पहले गिन यार, इनको बाहर निकाल दें, ये है ना तेरे 10, इनको बाहर निकाल दे, तेरी मेहरबानी ब्रो। ये बात है क्या ये? साथ बाद में, ओए बाद में भाई, बाद में ब्रो, पहले छोटे तो शुरू करना सी ना कॉम्पिटिशन। इसको ये पीछे पहन दो। अच्छा नहीं नहीं ब्रो, भाई यहाँ पे ये स्क्रैम्बल कर रहा है दो मूव्स में। अच्छा ये यहाँ स्क्रैम्बल कर रहा है, मैं भी तेरे कर दूंगा, देख लो देख लो। हम यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं और बड़ा मेरा। अच्छा ये सॉल्व है, हाँ दे यार, क्या कह रहा था, स्क्रैम्बल है और आधे से सॉल्व है भाई। हो गए, मुझे अभी भी लग रहा है एक दो सोल में अभी, और कोई कोई पता नहीं है मेरे बारे में। तो भाई इंस्पेक्शन हो गई है, एक ही किया मैं, तो भाई एक ही क्यूब को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, 28 के 28 तो कर नहीं सकता। वेपम यार, बहुत घटिया सॉल्व था वही सॉल्व, वो हो भी गया भाई, ने एक घटिया सॉल्व से बचा भी है बस, फिर यू जीत गया भाई मेरा। तो भी मैंने कहा था, मैंने एक करना, तूने भी 6 कर लेने, सॉल्व मुझे पहले ही पता था, ऊपर से क्यूब भी पता नहीं क्या है, घटिया बड़े यार बताया था यार। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया, तुम लोगों ने बोर हो जाना सही बताऊँ तो। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा कि ऐसा ने एक चीटिंग की, 2 क्यूब्स अपने उठा के इधर रख दिए। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को मैंने स्लो भी करके वीडियो को दिखाया ना। खैर मैं तो उस वक्त बहुत ही मतलब फोकस में सॉल्व नहीं था कर रहा, क्यूब्स को देख रहा था, तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन आगे जाकर मुझे पता लग जाएगा और वहाँ जाके सीन देखना कि ये फिर कहता क्या है, क्योंकि अगले 5 सेकेंड्स में वो सीन आने ही लगा है। तो भाई फिलहाल मैं चुप करने लगा हूँ और अब मेरी नजर पड़ने ही लगी है क्यूब्स पे। चार हो गए हैं, 10 से भी ज्यादा क्यूब ने सॉल्व कर लिए, 4 हो गए। अच्छा अपने दे, तेरा एक क्यूब का है, एक क्यूब की तरह कौन सा ये हाथ में, ओए ये गिन गिन ले यार, ऐसे ज्यादती है ओ की है वो इतने याद उठा के रखे थे, मैं नहीं भाई खेल रहा, सही कर चुकी है गिन लो, 2 सॉल वापिस रख क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, वहां से शुरू हो रहा है जहां से तू चीटिंग की थी, मैं कौन सा कर रहा, टाइमर तो वैसे भी बंद हो जाएगा, इतने क्यूब सॉल्व करने हैं यार, चीटिंग करता है, हद दे यार यकीन मान। अच्छा वैसे तुझे बाकी नहीं पता चला कि मैंने क्यूब इधर, मैं फोकस ही ना होया, माशाल्लाह बड़ा फोकस है, कितना फोकस है कि मेरे क्यूज के ऊपर नजर आ रही कि किधर गायब। लो भाई यहाँ से हम दोबारा वॉइस ओवर करने आ गए हैं, तुम लोगों ने देख लिया किस तरह इस बंदे ने चीटिंग की और फिर मान भी नहीं था रहा, खैर मना लिया यार, मैं मना ही लेना था, मुझे पता था। यहाँ पे दोबारा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तुम लोगों ने बहुत बोर हो जाना था, ये वीडियो बहुत लंबी थी भाई,
कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, क्योंकि मैं 28 सॉल्व कर रहा था, 28 और वो सिर्फ 10, और फिर भी वो कह रहा था कि ये भाई किसी भी तरह से फेयर कंपटीशन नहीं है, तुझे 30 करने चाहिए, तुझे इतने करने चाहिए, वो तो 50 कह रहा था भाई। एक दफ़ा उसने कहा 50 कर भाई, अजीबो गरीब ही सीन था। खैर फिर भी आज, क्योंकि लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि यार कोई इस तरह के आपस में रेसिंग की वीडियोस अपलोड करो, तो मैं का सोचा आज ऐसी वीडियो बना ही लेते हैं। खैर यहाँ पे मेरे काफ़ी क्यूब सॉल्व हो चुके हैं और एहसन के भी 5 सॉल्व हो चुके हैं, वो 6th क्यूब को सॉल्व कर रहा है, और मेरे तुम लोग देख सकते हो आई थिंक आखिरी 10 क्यूब्स के आसपास बच गए होंगे, और स्टिल वीडियो जारी है। मेरे बहुत स्मूथ सॉल्व जा रहे थे, बस एक सॉल्व मेरा बहुत बुरा गया था उसका, क्योंकि आपस की बात है, ये बात एहसन को नहीं पता, वो उसका वाइट फेस सॉल्व था, उसका वाइट फेस सॉल्व था। और तुम लोगों को पता है जो बंदे को सी फॉप से सॉल्व करने की आदत पड़ जाए F12 से, फिर वो सेकंड लेयर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो यार वो हालांकि आम नॉर्मल सॉल्व, मतलब नॉर्मल मेरा जो टाइम है 11 से 12 सेकंड, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लग गया, और अजीब व गरीब सीन हो गया ना, तो वो सॉल्व तो बिल्कुल ही बेकार था। खैर यहाँ पे मेरे लास्ट कितने रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक 6 क्यूब्स मेरे बचे हैं, और एहसन के 3 रह गए हैं। मुकाबला बहुत टक्कर का जा रहा था, बिल्कुल कह सकते हो बराबर बराबर हम जा रहे थे अब तक ना। एसन के बकौल उसकी एवरेज 40 सेकंड से 50 सेकंड्स के अराउंड है, तो मेरा ख्याल से ये बिल्कुल ठीक था जो हमने आपस में ये नंबर्स चूज़ किए थे कि 10 वर्सेस 28 रूबिक्स क्यूब्स, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर यहाँ पे मैं चुप होने लगा हूँ क्योंकि हमारी सॉल्विंग ख़त्म होने वाली है, और हमारा आउट्रो देखे बगैर ना जाना, क्योंकि बहुत मस्त सीन होने वाला है। क्यूब सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लेना और इन्जॉय यार, गुड बाय भाई, वीडियो पूरी देख कर जाना। तूने मुझे तूने गलत बयान नहीं किया, वैसे कसम से जो तुझे बताया वो बिल्कुल सही था, तूने गलत बयान नहीं किया। उधर रख रहे हो ब्रो। मैं जीत गया, गिन लो क्यूब। ओ भाई नजर आ रहा है वो पड़ा हुआ है यार, अभी तकरीबन 10 सेकंड्स पहले ये टाइमर रुका है, तो कह सकते हो 10 मिनट और 10 सेकंड्स लगे हैं इस चैलेंज को पूरा होने में, और मैं जीत गया हूँ जैसे तुम लोगों को पता हो भाई। इधर गिन लेते हैं, लेते हैं 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 2, 10। अच्छा ये 27 थे। अच्छा दूसरा चैलेंज, दूसरा चैलेंज लेके इस वीडियो में इतना ही, दूसरा चैलेंज आ रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। यार है बदतमीजी ये स्टार, खत्म मान खत्म हद से। एक और वीडियो बनाएंगे, एक और अगली अगली अभी अगले साल अभी बनानी है ना ना, गुड बाय यार है गलत है मैं नहीं।